हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम न्यू चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, न्यू चैप्टर को शुरू करेंगे। इसमें न्यू चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी उपसा संयोजक यौगिक, जिसमें हम उपसा संयोजक यौगिक के IUPAC को पढ़ेंगे। और आज हम 3 नंबर को पक्के करेंगे, क्योंकि ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन में 3 नंबर में ज़रूर पूछी जाती हैं। 4 नंबर में आपकी IPSC ये ज़रूर पूछी जाती हैं, ये नॉर्मल IPSC से हट के हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने हमारे KSN केमिस्ट्री क्लासेस ने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा स्टार्ट करी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए, और जोड़ने के साथ साथ अपने कंपटीशन की, चाहे वो RRB रेलवे से रिलेटेड हो, SSC से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो, CTET या UPTET इससे रिलेटेड हो, सभी प्रकार के सिलेबस KSN केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। ठीक है, तो समय नहीं बर्बाद करते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को शुरू करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी उपसा संयोजक यौगिक में IPSC को हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, रूलिंग लिखी तो बहुत है, मगर बहुत शॉर्ट में अगर समझेंगे आपको, पहले मैं रूलिंग थोड़ी बता देता हूँ, फिर मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा दूँगा। ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूलिंग नहीं आती है। तो देख लीजिए, सबसे पहला लिखा हुआ है IUPAC नाम लिखते समय धनायन को पहले और ऋणायन को बाद में लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, धनायन यानी जो प्लस सिरा प्लस होता है उसको पहले लिखेंगे और ऋणायन को क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या कह रहा है देख लीजिए, नाम लिखते समय धनायन और ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। ठीक है, यानी धनायन कितने हैं या ऋणायन कितने हैं ये नहीं बोलते हैं। अगर के लिखा हुआ है आपके सामने, ये ऐसे लिखा हुआ है K4, ठीक है, या FeCN6, ठीक है, तो धनायन में हम ये टेट्रा नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे पोटेशियम। ठीक है, ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। तो हम क्या करेंगे कि धनायन में हम प्लस, मतलब यहाँ पर जितनी भी संख्या लगी होगी IPSC में, हम ये नहीं बोलेंगे, सीधे सीधे हम पोटेशियम बोलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यही चीज़ ये कह रहे हैं, नाम लिखते समय धनायन ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। साथ ही साथ संकुल यौगिक जो आपके हैं उनका नाम लिखते समय लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। कहने का मतलब है, इनका मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल आ गया, ये एग्जाम्पल आ गया K4 FeCN6। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखते समय क्या करेंगे कि हम लोग लिखा हुआ है नाम लिखते समय लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 2 लिगेंड दिए हैं, H2OB इसी जगह दिया है, तो ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो CN है, साइनो और एक्वा, यहाँ पर जल को एक्वा बोलते हैं, आगे हम आपको बताएंगे, एक्वा ए से शुरू होता है और साइनो सी से, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे कि इसका नाम लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल देख रहे हैं, ए पहले आता है और सी बाद में आता है, तो हम अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे, फिर ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, वो भी किस में, रोमन अंक में लिखी जाएंगी, इस तरह फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या को निकाल के हम लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, आगे क्या है, यहाँ पर ये जो आपको दिए हुए हैं अमोनिया है, एक्वा यानी जल है, ये देखिए यहाँ पर जल को क्या कहा, एक्वा कहा, कार्बोनिल CO को कहा, नाइट्रोसो। ठीक है, ये देखिए दिए, ये इनके ऑक्सीकरण संख्याएं दी हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, ये सब क्या दी हुई हैं, ऑक्सीकरण संख्याएं दी हुई हैं। एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये सब क्या हैं, ऑक्सीकरण संख्या दी हुई हैं। यहाँ पे इधर देखिए, ये आपको जितनी भी है दिख रही -1, और ये आपको जितनी भी दिख रही हैं -1 -1 -1, ये देखिए -2 -2 -2 -2, ये ऑक्सीकरण संख्या के बारे में है। ठीक है, इसको आप, और साथ ही साथ ये लिखा हुआ है वे लिगेंड जिनकी संख्या 2, 3, 4, 5, 6 होती है, ठीक है, तो उनके लिए डाई, 2 के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ देखिए, ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं चलते हैं, आप सीधे सीधे अगर समझें
इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ये हो गया प्लस सिरा, ये हो गया माइनस। ये देखिए प्लस सिरे में हम ये के थ्री है, तो थ्री हम नहीं इस टेट्रा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पोटेशियम लिखेंगे, ठीक है। तो आगे भी हम आपको बताएंगे, देखिए कुछ चीज़ हम देख लेते, कॉमन चीज़ें देख लीजिए, वीडियो को पूरा जरूर देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए बी आर को ब्रोमो कह दिया, यहाँ पर एफ को फ्लोरो, ओ को ऑक्सी, जो यहाँ पर ओ माइनस माइनस है ऑक्सो, एच ओ को हाइड्रोक्सो, ठीक है, सी एन को साइनो, ऑक्जलेटो, ये देखिए कार्बोनेटो, ये देखिए जल को क्या कहा एक्वा, ठीक है, और अमोनिया को एमीन, इस तरह ये नाम होंगे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिए सीधे सीधे आप अगर हमारे सही से अगर इसको देखें, हाँ, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा किस, पाँच के लिए पेंटा किस, छः के लिए हेक्सा किस, सात के लिए हेप्टा ऑक्टा, ठीक है, ये डेका देखिए, अनडेका डीओ डेका, इस तरह चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा हम लोग डीपली इस चीज़ को नहीं देखते हैं। चलिए आइए हम आपको बहुत सरल तरीके से अच्छा समझा देते हैं, अगर सरल तरीके से समझें आप एक ही बार में समझ जाएंगे। देखिए कैसे, मैंने कहा ये एक फार्मूला है, इसी फार्मूले के अनुसार आपको आईपीएससी लिखनी है। अभी तक आपने ऊपर जितना पढ़ा वो आपके थोड़ा नॉलेज के लिए था, ठीक है, परंतु अगर देखा जाए वहाँ वो भी ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर आपको जब तक रूल नहीं पता होगा तो आईपीएससी इतने अच्छी तरीके से आपने, तो आईपीएससी के जितने रूलिंग हैं उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला आप ए लिखेंगे, ए में क्या होगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, तो यहाँ पर देखिए जो आगे आपको के थ्री लिखा दिख रहा है ये ए हो गया, ठीक है। इसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं सी टू ओ फोर होल थ्राइस। फिर इसके बाद केंद्रीय परमाणु लिख देंगे, ठीक है, केंद्रीय परमाणु लिखेंगे, जैसे आपको ये सी आर, ये क्या है सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें एट लगा देंगे किसी किसी में। फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, जब ये बंद कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये बी है, ठीक है, इस बी को लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखना है इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब देखिए आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। देखिए कैसे इस एग्जाम्पल को आप समझें, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना था, मैंने कहा था आपसे सबसे पहले आपको ए, फिर ब्रैकेट में क्या होगा लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल, फिर ऑक्सीकरण संख्या, फिर ब्रैकेट ऐसे बंद हो जाएगा, फिर क्या आएगा बी आएगा, ठीक है। तो ए का नाम यहाँ ब्रैकेट के बाहर तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर जब आपको कुछ नहीं दिया है तो क्या है, अंदर लिगेंड दिए हुए हैं, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, और ये है जो प्लेटिनम है वो क्या है सेंट्रल मेटल है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए, अब एमीन अमोनिया को क्या बोलते हैं, एमीन, सी एल को क्या बोलेंगे क्लोरो क्लोराइडो, ठीक है, और एनओ क्या बोलेंगे नाइट्रो। तो आपको ये देखना है कि एमीन पहले आता है, सी बाद में आता है, एन बाद में आता है, ठीक है। तो कैसे आप नाम लिखेंगे देख लीजिए, यहाँ पर आप इसका नाम पहले लिखेंगे तो क्या होगा डाई एमीन, ये लिखा हुआ है, फिर क्लोराइडो, ये देखिए क्लोराइडो लिखा हुआ है, फिर एन ओ टू नाइट्रो, ये देखिए नाइट्रो लिखा हुआ है, और फिर सेंट्रल मेटल का नाम बोलेंगे प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आप आसानी से जिसको देखिए सेंट्रल मेटल को क्या मानोगे, इसको मानोगे एक्स, क्या मानोगे एक्स, ठीक है। अब इसकी अगर देखा जाए इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो इसको एक्स मान लिया, ये जीरो हो गया, ठीक है, और सी एल की माइनस वन हो गई, और एन ओ की कितनी हो जाएगी, एन ओ की हो जाएगी माइनस वन, ठीक है, माइनस वन हो जाएगी, तो माइनस माइनस कितना हो गया दो हो जाएगा, तो दोमन अंक में कितनी आ जाएगी ऑक्सीकरण संख्या दो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से इन ऑक्सी, अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है ए दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर के थ्री लिखा हुआ है तो थ्री नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे पोटेशियम, ये देखिए पोटेशियम बोल दिया। फिर क्या है उसके बाद ए के बाद क्या आता है ब्रैकेट के अंदर, आता है लिगेंड, लिगेंड क्या है तीन के लिए ट्राई, देखिए लिगेंड में ट्राई और टेट्रा लिखेंगे, तीन के लिए क्या लिखेंगे ट्राई, ठीक है, और ये सी टू ओ फोर क्या है ऑक्सलेटो, क्या है ऑक्सलेटो,
और Cr सेंट्रल मेटल का बोलेंगे क्रोमेट, क्रोमियम में क्या करेंगे क्रोमेट बोलेंगे, क्रोमियम को क्या बोलेंगे क्रोमेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या के बारे में देखें, अगर ऑक्सीकरण संख्या देखिए K की होती है प्लस वन, ठीक है, तो कितने हैं नीचे तीन है, तो ये प्लस थ्री हो जाएगा। और इसकी होती है C2O4 की होती है माइनस टू गुणे तीन, और इसको मानेंगे X, तो ये तीन दुनी हो जाएगा छः, ठीक है, ये कितना हो जाएगा छः, ये X और ये हो जाएगा प्लस तीन, ठीक, तो ये यहाँ पर वो भी कितना माइनस का हो जाएगा छः, माइनस का छः में से प्लस का तीन घटेगा तो तीन बचेगा ना, तो रोमन अंक में कितना आ जाएगा, रोमन अंक में आ जाएगा तीन। तो यहाँ देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, तीन आ गई, कितनी आ गई तीन आ गई, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है ये देखिए ब्रैकेट में, अब ए नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट दे रखा है इन्होंने, तो इसका नाम कैसे पढ़ोगे, इसका नाम देखो, इसका नाम बहुत आसानी से देखो, ये दो डाई क्लोरो क्लोराइडो डाई क्लोराइडो, ठीक है। अब जो ये ईन दिया होता है, ये जो आपको दे रखा है, ठीक, इसका नाम देखिए कितने हैं, यहाँ पर ईन कितने हैं दो, तो इसको कहेंगे बिस, दो के लिए क्या लगाएंगे बिस, ठीक है, और ईन को कहेंगे एथेन, ईन को क्या कहेंगे, दो के लिए तो कह दिया बिस, और एथेन 1.2 डाइएमीन, इसका पूरा नाम होता है ईन का एथेन 1.2 डाइएमीन, ये याद रखिएगा। और फिर क्या है CO कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, तो कितनी होगी ऑक्सीकरण संख्या तीन, और बाहर क्या दे रखा है Cl, तो ये हो गया आपका क्लोराइड, ठीक, ये हो गया। आगे देखिए, आगे क्या है ये देखिए, इसका नाम इसमें कैसे बोलेंगे, यहाँ इसका नाम पहले बोलेंगे पेंटा, पेंटा अमोनिया को बोलेंगे एमीमीन, ठीक है, पेंटा एमीमीन, और क्या बोलेंगे फिर हम लोग CO3 को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कार्बोनेटो, कार्बोनेटो बोलेंगे, और CO को कोबाल्ट बोलेंगे, फिर ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखेंगे तीन लिखेंगे, और Cl को बोला क्लोराइड, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के मैं एक अलग ही वीडियो पूरा बनाऊंगा, ठीक है, तो आप इस तरह ध्यान रखिए। आप देखिए यहाँ पर इसका नाम देखिए, Hg को क्या बोलेंगे मरकरी, Hg क्या हो गई मरकरी, फिर ये SCN4 जो आपको दिख रहा है ये चार को बोलेंगे टेट्रा थायोसाइनेटो, थायो एस को क्या बोलो थायोसाइनेटो, और CO को कोबाल्ट बोलेंगे, और ऑक्सीकरण संख्या कितनी है तीन, ठीक है। तो इस तरह हम IPSC को करेंगे, कुछ एग्जांपल मैंने आपको दे रखे हैं, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इन एग्जांपल को भी आप करेंगे, इन एग्जांपल को जब आप करोगे और नहीं समझ में आएंगे तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। एक मैं अलग वीडियो कल आई ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो को भी देखिएगा, तब जाके आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड में IUPAC यानी उपसा सहयोग यौगिक में IUPAC बहुत अच्छी तरीके से संबंध में आएगी। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इन सब के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है, एमीमीन क्लोराइडो कार्बोनेटो, ईन को क्या कहा था हमने एथेन 1.2 डाई एमीन, ठीक है, दो के लिए 20, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। आप इस फार्मूले से अगर आप चलते हैं इस फार्मूले से, तो समझ लीजिए आपको IPSC आसानी से समझ में आ जाएगी, और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़िए, पूरे आपको सही से समझ में IPSC आएंगे। अब देखिए इधर मैंने क्या लिख रखा है, आप देखोगे ये सब IUPAC में मैंने लिख रखे हैं, ये आपके जितने लिख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्याएं लिख रखी हैं, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से, यानी प्लस वाला सिर आपको पहले लिखना है, फिर माइनस वाला बाद में लिखना है, पहले आपको ए का लिखना है, फिर लिगेंड लिखना है, फिर सेंट्रल मेटल लिखना है, फिर उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, फिर माइनस वाला बी सिरा लिखना है, ठीक है, तो इतना आपको करना है। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है, आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद जय भारत।